Hello my dear friends, welcome to your own YouTube channel Soni's tutorial classes. दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैं कॉमन एरर सीखने के लिए और इस कॉमन एरर के कोर्स का मेन टारगेट है SSC के एग्जाम्स, चाहे वो MTS हो, CHSL, CGL, CPO या कोई भी एग्जाम जो SSC कंडक्ट करवाती है। दोस्तों कॉमन एरर बहुत सारे छात्रों के लिए बहुत ही कठिन सेक्शन होता है, उसे सॉल्व करना स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज होता है। बट मेरे प्यारे दोस्तों, यदि थोड़ी सी सावधानी से आप सेंटेंसेस को पढ़ें तो आप पाएंगे कि हर एक सेंटेंस में, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, कोई खास वर्ड या कोई खास फ्रेज ऐसा होता है जिसमें एरर होते हैं। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात है, SSC हो या SBI हो या IBPS हो, दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये सब एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स में जो कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं, वो सारे कॉमन एरर्स रिपीटेडली कमोबेश सेम तरह के होते हैं। बहुत कम नए तरह के कॉमन एरर्स आपके सामने आएंगे। तो जो कोर्स मैं यहाँ अभी आपको करवा रहा हूँ, उनमें 1000 से ज़्यादा कॉमन एरर्स मैं कवर करूँगा और ये सारे कॉमन एरर्स के क्वेश्चन SSC के प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो 1997 से लेके 2017 तक मैंने वो कवर किया है सारे कॉमन एरर्स को। तो इनमें आने वाले कीवर्ड्स और की फ्रेजेस को आप अच्छे से सीखते जाएं, तो इन फ्यूचर यदि आप कोई एग्जाम देने वाले हैं SSC की, आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं वर्ड्स, कीवर्ड्स या की फ्रेजेस पे बेस्ड कॉमन एरर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके लिए सॉल्व करना सेकेंड्स का काम, 2 से 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। द विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस इज पासिंग थ्रू मेनी क्राइसिस। मेरे प्यारे, तो इसमें एक वर्ड है मेनी क्राइसिस, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह एक सिंगुलर नाउन है। पूछिए कैसे, तो अंत में यदि IS लगा हो तो वह जनरली नाउन सिंगुलर होता है, और उसको प्लूरल बनाने के लिए IS को हटाकर ES लगाते हैं, तब वह नाउन प्लूरल बन जाता है, ठीक है। जब यहां मेनी का लग गया है तो क्या यह नाउन सिंगुलर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसे एक प्लूरल नाउन होना चाहिए। सेस होगा तब सही होगा, ठीक है। तो यहां एरर है डी पार्ट में। इस क्वेश्चन में एक और जगह पर एरर पूछा जा सकता था यदि यहां एरर नहीं होता तो। कौन सा हिस्सा? बी में देर देखिएगा। द विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस। हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए। तो हु के लिए जो वर्ब आया है लिव्स सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो नाउन आया है एंटीसीडेंट विडो, वो भी सिंगुलर है, ठीक है। तो यहां लिव्स के जगह लिव देता तो भी एक एरर हो सकता था, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर इस तरीके से पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में वो एरर नहीं था, इस क्वेश्चन में नाउन का एरर था कि मेनी के साथ सिंगुलर नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्लूरल नाउन का यूज करना चाहिए। यहां क्राइसिस के जगह क्राइसिस होता तब सही होता। आई होप कि क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। देखिए बच्चों, यहां जब हम वर्ड पीपल वर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो पीपल का अर्थ होता है लोग, यह हमेशा प्लूरल माना जाता है। हालांकि देखने में, फॉर्म में यह सिंगुलर है, लेकिन अर्थ में हमेशा इसे क्या मानते हैं? प्लूरल। अब हम लोग पीपल को यदि डबल प्लूरल बना दे, पीपल्स लिख दे, तो वो कब यूज होगा? तो एक्चुअली पीपल का एक अर्थ आपने ये जाना कि होता है लोग, और पीपल का एक और अर्थ होता है, मैं वो आपको बता दूं, दूसरा अर्थ होता है किसी नेशन में रहने वाले डिफरेंट ग्रुप्स के लोग, वो ग्रुप कास्ट को
कम्युनिटी, ट्राइब, ये सब पर बेस्ड हो सकता है, ग्रुप्स के लोग, ठीक है, या ट्राइब्स, ये अर्थ होता है। तो इस अर्थ में इसको नेशन के इक्विवेलेंट माना जाता है, और तब इसका एक और प्लूरल बनता है पीपल्स, ये पीपल का प्लूरल बनाया जाता है पीपल्स इस अर्थ में, ठीक है। तो आप बताइए दुनिया के भिन्न भिन्न जो ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म समुदाय, अलग अलग नस्ल के लोग हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स का है, इसलिए पीपल के जगह पीपल्स का यूज होना चाहिए था। इसलिए एरर किस पार्ट में माना जाएगा, पार्ट ए में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, पढ़े। राखी मेट मी ऑन द वे एंड आस्क्ड ए 100 रुपीज नोट, ठीक है। राखी मुझे रास्ते में मिली, 28th फ्रेज है द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है। तो राखी मेट मी ऑन द वे, राखी मुझे रास्ते में मिली, एंड आस्क्ड फॉर होना चाहिए था, आस्क्ड फॉर मतलब होता है मांगना, ठीक है। मांगी, क्या मांगी, एक 100 रुपए का नोट, ठीक है। तो नोट कितना मांगी वो, एक नोट मांगी, तो ए नोट तक तो सही है, 100 रुपीज का, तो 100 रुपए, तो रुपीज हो जाएगा, का, तो का के लिए एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए था कि नहीं, यही एपोस्ट्रॉफी नहीं है, इसीलिए एरर है पार्ट डी में, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29th आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29th बहुत आसान है, पढ़िए। जी हाँ, प्रयास कीजिए, बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं, रमेश टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स गेव सारिका गुड एडवाइसेस, ठीक है। दोस्तों एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का क्या मतलब होता है, सलाह, और इस अर्थ में यह एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसे जनरली प्लूरल नहीं बनाते। यदि इसे प्लूरल बना दिया गया है तो एरर है पार्ट डी में, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एडवाइसेस वर्ड का यूज होता है, ठीक है, मैं बिल्कुल मानूंगा, ऑब्सोलीट इंग्लिश में, पुराने इंग्लिश में एडवाइस का एक और अर्थ होता था, किसी पर्टिकुलर फील्ड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड सलाह या रिकमेंडेशंस या इंफॉर्मेशन जो कहीं बाहर से लोगों को दिए जाते थे, उस अर्थ में एडवाइस को काउंटेबल माना जाता था, और उस अर्थ में एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस किया जाता था। लेकिन वो ऑब्सोलीट इंग्लिश की बात है, अब वैसा यूज नहीं होता, लेकिन उस यूज पर, उस सेंस पे बेस्ट कॉमन एरर्स भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। आपको मैं वादा करता हूं कि आने वाले क्वेश्चंस में वैसे कोई क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, खुद से सॉल्व करें पहले। जी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, द ग्रेट आर्टिस्ट वाज सराउंडेड बाय हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, एक वर्ड है हैंगर ऑन, ठीक है। हैंगर ऑन का मतलब होता है, यह एक नाउन है, हैंगर ऑन का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो किसी सेलिब्रिटी या बड़ी हस्ती के आसपास मंडराते रहता है अपने किसी मतलब के लिए, या काम पूरा करवाने के लिए, या बस उसकी चापलूसी में, ठीक है। तो ये हैंगर ऑन का मीनिंग हमने आपको बता दिया। अब जरा समझिएगा, यदि कोई ऐसा कंपाउंड नाउन रहे जिसमें पहला वर्ड नाउन और दूसरा वर्ड प्रीपोजिशन रहे, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको नाउन वाले पार्ट को प्लूरल बनाना होगा, हैंगर्स ऑन लिखना होगा, ठीक है। और आप देखिए उसमें ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए एरर किस पार्ट में है, डी पार्ट में, ठीक है। द ग्रेट आर्टिस्ट वाज सराउंडेड, वो महान कलाकार घिरा हुआ था किसके द्वारा, किससे घिरा हुआ था, बाय हिज
यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर्स ऑन, अपने प्रशंसकों के पहले की तरह भीड़ से, मतलब वो जहां जाता था तो हमेशा उसके सामने उसके प्रशंसकों का भीड़ लगा रहता था, तो वैसे लोगों की भीड़ से वह हमेशा की तरह घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पासर बाइज, जिसमें पासर देखिए एक नाउन है और बाई एक प्रीपोजिशन है, इसलिए पासर बाइज लिखना गलत होगा। अभी हमने इसका रूल आपको बताया था, इसका सही फॉर्म होगा पासर्स बाई, ठीक है, और ये एरर किसमें है, ये एरर है पार्ट बी में। पासर बाई का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों पासर बाई का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी इवेंट या किसी इंसिडेंट के होते समय वहां से होकर गुजर रहा हो, उसको पासर बाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर है मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, स्ट्रक्चर यह 31 का मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि यदि गिनती की इकाई हो, जैसे 100,000, million, billion, trillion, dozen, स्कोर, ये सब गिनती की इकाई कही जाती है, यूनिट ऑफ काउंटिंग, ठीक है, और उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद एक नाउन हो, तो याद रखिएगा यह नाउन तो प्लूरल होगा ही होगा और यह गिनती की इकाई भी प्लूरल होगी, ठीक है। तो यहां देखिए 100 गिनती की इकाई है जो प्लूरल फॉर्म में, हंड्रेड्स ऑफ पासर्स बाई, सैकड़ों राहगीर, पासर बाई माने जो पास से होकर गुजर रहे हैं, तो राहगीर कह सकते हैं आप उनको, सैकड़ों राहगीर रुक गए एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 32 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, जरा देखिए तो पढ़िए, यस, वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। बच्चों यहां कीवर्ड है स्पेक्टिकल, ठीक है, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, वैसा मनोहारी दृश्य जो आपको प्रभावित करता हो, जो आपके दिल दिमाग पर असर डालता हो, और इस अर्थ में यह एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग यदि प्लूरल बनाना चाहें तो स्पेक्टिकल सीखना पड़ेगा, दृश्यों, यह प्लूरल होगा, और स्पेक्टिकल्स वर्ड हम जब बोलते हैं, जरा गौर कीजिएगा, स्पेक्टिकल्स वर्ड जब हम बोलते हैं तो स्पेक्टिकल्स का एक और अर्थ होता है चश्मा, चश्मा, ग्लासेस, ग्लासेस जो मैंने पहन रखे हैं, और इस अर्थ में इसे हमेशा प्लूरल फॉर्म और प्लूरल सेंस दोनों में यूज किया जाता है। और सिर्फ स्पेक्टिकल्स ही नहीं, वैसे सभी चीजें जिनमें दो भाग होते हैं, जैसे कैंची, सीजर्स, जैसे पैजामा, ट्राउजर्स, जैसे पैंट्स, ठीक है, जैसे प्लायर्स, जैसे पिंसर्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें दो हिस्से होते हैं, गॉगल्स, तो इनमें दो हिस्से होते हैं, तो इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है और प्लूरल माना भी जाता है। अब वाक्य का अर्थ यदि आप समझें तो यहाँ पर स्पेक्टिकल दृश्य के अर्थ में उपयोग नहीं किया गया है, चश्मा के अर्थ में उपयोग किया गया है, क्योंकि आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए दृश्य नहीं, चश्मे का उपयोग करना चाहिए, तो चश्मा के अर्थ में इसे हमेशा स्पेक्टिकल्स लिखना चाहिए था, और यही एरर है बी पार्ट में कि स्पेक्टिकल का यूज किया गया है चश्मा के अर्थ। आई होप कि क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने देखिए, जी क्वेश्चन नंबर 33 बहुत आसान है, इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे, ठीक है, इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, क्योंकि यहाँ पोस्ट की कैटेगरी एक ही है, इसलिए यहाँ पर पोस्ट्स के जगह पोस्ट होना चाहिए, तभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 नेक्स्ट आपके सामने, सोनी टुगेदर विद हर पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट एंड ब्राउट ए लॉट ऑफ हैंडकरचीफ्स, ठीक है। देखिए बच्चों, जनरली या एफ ई रहे अंत में, तब क्या करते हैं कि उसे हटाकर
VES लगा देते हैं तब वह नाउन प्लूरल बन जाता है, और ऐसे एफ या एफ ई रहने पर सिंगुलर होता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका प्लूरल एफ या एफ ई को हटाकर VES लगाने से नहीं बनता, सिर्फ एस लगा देने से बनता है। वो एक्सेप्शंस हैं, उनमें से हैंडकर चीफ भी एक है, इसलिए हैंडकर चीफ का प्लूरल हैंडकर चीफ से सही है, इसमें कोई एरर और नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। 35 में जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों, उस चीज को आप समझें, ठीक है, कि बहुत सारे जगहों के नाम, बहुत सारी किताबों के नाम या बहुत सारे लोगों के नाम दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो एक ही जगह का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है या एक ही किताब का नाम। तो प्लूरल दिखने के बावजूद भी उन्हें प्लूरल माना नहीं जाएगा, उन्हें सिंगुलर माना जाएगा, और इसीलिए उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाएगा। जैसे यदि हम लेते हैं नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स बोलने से एस लगा है, लगता है कि प्लूरल है, लेकिन वो एक जगह का नाम है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब। उसी तरह द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स जब बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो एस लगा रहने के कारण प्लूरल साउंड करता है, लेकिन उसे प्लूरल मानेंगे नहीं, उसे सिंगुलर मानेंगे और उसके लिए वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। उसी तरह गुलिवर्स ट्रेवल्स, दिखने में लगता है कि ये तो प्लूरल है, लेकिन गुलिवर्स ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है, मतलब वो सिंगुलर, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। चेक कीजिए है कि नहीं। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स के साथ इज का यूज किया गया सही है। एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से 26 से लेके 35 तक मैंने आपको बताया। आई होप कि चीजें आपको मजेदार लगी होंगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगी, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई स्पेशल चैप्टर, कोई स्पेशल डिमांड हो पढ़ाई में, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और बाकी इन सभी क्वेश्चंस का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के जरिए। और साथ ही साथ 26 नंबर से पहले के सारे क्वेश्चंस के जितने भी सॉल्यूशन किए गए हैं, उनके वीडियो के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो आप प्लीज उन्हें भी देखें। और यदि आपको लगता हो कि यूजफुल है, फायदेमंद है, आपकी तैयारी में सहायक है, तो आप प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। ये हमारे लिए सपोर्ट होगा और उन बच्चों के लिए भी सपोर्ट होगा जो कोचिंग सेंटर्स की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर किसी भी वजह से उनके पास इतने रिच अमाउंट में और नंबर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार आपके लिए काम करते रहेंगे और इसमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।